ओके, वेलकम बैक एवरीवन। सो लेट्स वेलकम टू द कोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। सो लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द ऑटो ट्रांसफार्मर। सो लास्ट में हमने उसमें देखा कि किस तरह से टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हम एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स की हेल्प से देखेंगे कैसे हम टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर में कनेक्ट करते हैं और फिर किस तरह से उनके केवी रेटिंग और पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली, पावर ट्रांसफर कंडक्टिवली, वो कैसे आते हैं पावर्स और रेटिंग्स जो है केवी रेटिंग ऑटो ट्रांसफार्मर की एज कम्पेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर किस तरह से चेंज होती है, एफिशिएंसी कैसे बढ़ जाती होगी, कॉपर सेविंग कैसे होती होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू जो भी हमने डिस्कस किया पिछले थ्योरी लेक्चर में वो सारी इसमें करेंगे डिस्कस। ओके, तो पहला स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल से। एंड 11,500 ओके बाई 2300 वोल्ट ट्रांसफार्मर इज रेटेड एज 100 के वी एज अ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। एंड इफ द वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू फॉर्म एन ऑटो ट्रांसफार्मर व्हाट विल बी द पॉसिबल वोल्टेज रेशियो के वी आउटपुट एंड ऑल्सो कैलकुलेट द कॉपर सेविंग। ठीक है, तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर एक है उसका आपको वोल्टेज रेशियो दिया हुआ है और आपको के वी रेटिंग भी दी हुई है। अब उसको आपको कनेक्ट करना है ऑटो ट्रांसफार्मर में, तो दो पॉसिबल कनेक्शन बनेंगे अगर हम कनेक्ट करें दोनों के। मैंने बनाए हुए यहाँ पे कि दो वाइंडिंग्स थी, एक वाइंडिंग पे वोल्टेज था 2300 और एक था 11,500। ठीक है, तो इसका मतलब ये दो वाइंडिंग्स हैं, एक वाइंडिंग ये, एक ये, इसको किस तरह से कनेक्ट करें। तो हमने एक पॉसिबल हमारा ऐसा भी हो सकता है कि हम 11,500 को यहाँ करें, इससे सेकेंडरी ले लेंगे और प्राइमरी पे 2300 वाला इसके ऊपर सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो प्राइमरी पे हमारे पास मिल जाएगा 13,800 वोल्ट और सेकेंडरी पे हमने 11,500 ले लिया। एक पॉसिबल कनेक्शन ऐसा भी हो सकता है कि 11,500 ऊपर रखा, 2300 नीचे रखा, मतलब 2300 को लो वोल्टेज साइड पे लिया और हाई वोल्टेज साइड पे इन दोनों का सम, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये यहाँ पे हमारा फिर भी प्राइमरी जो है 13,800 रहेगा लेकिन लो वोल्टेज साइड जो है वो 2300 हो जाएगा। तो जब भी आप टू वाइंडिंग से ऑटो ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर रहे हैं तो एक चीज इंश्योर करेंगे, रखेंगे कि टू वाइंडिंग में, दोनों वाइंडिंग में अलग अलग जो करंट रेटिंग है, जब वो टू वाइंडिंग में था, करंट रेटिंग वाइंडिंग्स में जो है वो सेम रहनी चाहिए। वाइंडिंग में जो करंट है वो एज इट इज है कि नहीं, मतलब उनका, क्योंकि वो रेटिंग है, तो रेटिंग है इसका मतलब कि उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए करंट। ठीक है, तो ऐसे तो अगर हम चाहें केवी रेटिंग निकालने के लिए तो हमने एक सीधे फॉर्मूला पढ़ा था, क्या हमारा एक फॉर्मूला था, आपने पढ़ा कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर बनेगा उसमें जो टर्न रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इसको बोल रहे हैं हम ए, वो है क्या वी एच अपॉन वी एल। तो उस हिसाब से अगर हम ये कनेक्शन बनाते हैं ये वाला, तो वी एच हमारे पास है 13,800, ठीक है, और वी एल है 11,500। तो यहाँ से आपका रेशियो आ जाएगा एक पर्टिकुलर, और वो रेशियो जब आ गया तो आप के वी रेटिंग तो सीधे निकाल सकते हैं, के वी रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू के वी रेटिंग ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इंटू 1/(1 - 1/A)। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, अगर आप पीछे जाके देखें रेटिंग देखें, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू 1/(1 - 1/A) रेटिंग ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो यहां पे आपको टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का रेटिंग तो दिया ही हुआ है, कितना है 100 के वी है। तो अगर इसके हिसाब से अगर आप देखें रेटिंग ऑटो ट्रांसफार्मर की, तो यहां से इसके हिसाब से रेशियो ए कितना आएगा, ए आपका आ जाएगा हाई वोल्टेज मतलब 13,800 डिवाइड बाई 11,500। ठीक है, ये कुछ रेशियो आ जाएगा, कितना आ जाएगा रेशियो देखते हैं, थर्टीन
800 divided by 11, 500, 1.2, 1.2 इसका रेशियो अगर आता है, तो यहाँ से अगर आप रेटिंग निकालना चाहें, यहाँ से रेटिंग निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, केवीए ऑटो इज इक्वल टू 1/1 - 1/AA इंटू केवीए टू वाइंडिंग, ये लगा देंगे, यहाँ रखेंगे 1 - 1/1/2 कितना आ जाएगा, 1/1.2.833 1 - 0.833 करेंगे ये आएगा 0.167 1/0.167 ये कुछ 6 आ जाएगा, तो ये पूरा जो फैक्टर है आपका ये कुछ आ जाएगा 6, जब आप इसमें रखेंगे क्या ए की जगह पे 1.2 ये 6 आ जाएगा, 6 इंटू के बी ऑफ टू वाइंडिंग 100, तो यहाँ से आपका आ जाने वाला है ये 600 के बी ए ऑटो ट्रांसफार्मर का के वी ए 600। सीधे एक क्वेश्चन तो सीधे आपका हो जाएगा, पूछा ना आउटपुट के वी ए, कैलकुलेट द के वी ए आउटपुट, यहाँ से भी हो जाएगा आराम से, ये चीज़ इधर कनेक्ट करें, इधर अगर आप कैलकुलेट करें तो इधर का रेशियो कितना आएगा, इधर हाई वोल्टेज पे है 13800, लो वोल्टेज पे है 2300, ये रेशियो कितना आएगा इसको देखेंगे, थर्टीन एट जीरो जीरो टू थ्री जीरो जीरो ये सीधे सीधे 6 आ रहा है, ठीक है, ये आपका सीधे सीधे 6 आ रहा है, तो के वी ए ऑटो यहाँ भी आप देखेंगे तो वही आएगा 1/1 - 1/A इंटू के वी ए टू वाइंडिंग कर सकते हैं, कितना आएगा ये रेशियो आ रहा है 6 सीधे, तो 1/1 - 1/6 ये कितना आ रहा है 1/1.20, तो यहां से आपका इंटू 100 के वी ए था ये टू वाइंडिंग का, ये कुछ आ जाएगा 120 के वी ए, अलग अलग कनेक्शन अगर आप करते हैं कि हाई वोल्टेज पे क्या वाइंड लेते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर जो बना रहे हैं उसमें हाई वोल्टेज पे क्या आया वोल्टेज, लो वोल्टेज पे क्या है, उससे हिसाब से आपका जो है चेंज होगी चीज़, लेकिन आप देखेंगे करंट जो है वो चेंज नहीं होगा, करंट आप निकालेंगे तो आपके हिसाब से इस कनेक्शन की बात करें, अगर हम इस कनेक्शन में जो हाई वोल्टेज बॉन्डिंग है 11500 उसकी करंट रेटिंग क्या होगी वो निकाल लें पहले, अगर ऐसे निकाल के चलें करंट रेटिंग ऑफ 11000 कितना था 500, उस वाले वाइंडिंग की करंट रेटिंग निकालना चाहते हैं तो करंट रेटिंग क्या होता है, केवीए आउटपुट तो सेम होता है दोनों तरफ, 100 जो कि था टू वाइंडिंग का केवीए डिवाइड बाय उस साइड का वोल्टेज, तो यहाँ की करंट रेटिंग आने वाली है, इसके लिए I1 बोल देते हैं, ये आ जाएगी 100 केवीए था 100 × 10³ डिवाइड बाई 11500, ये देखेंगे कितना आ जाएगा रेशियो, ये आपका आ जाएगा कुछ 8.69, ये आपका आ जाएगा 8.69 एम्पियर, ठीक है। अब दूसरे साइड वाला दूसरे वाइंडिंग का देखें करंट रेटिंग एट 2300, ये क्या आ जाएगा 100 के वी तो है ही है पावर रेटिंग डिवाइड बाई 2300, ये कितना आ जाएगा, ये कुछ आ जाएगा आपका 43.48 एम्पियर, I2 बोल दीजिए। तो वाइंडिंग्स में ये करंट फिक्स है,
कौन से वाइंडिंग में? 2300 वाला जो वाइंडिंग है उसमें उसकी रेटिंग है, करंट रेटिंग 43.48, और जो ये वाली वाइंडिंग है ये वोल्टेज वाली, इसकी है 8.69। तो अगर आप इसमें बनाना चाहें अपना, ठीक है, तो ये वाइंडिंग जो है ये 23, इसमें 43.48 करंट जाएगी, और इस वाइंडिंग में, इस वाइंडिंग में आपकी कितनी करंट आएगी, ये 1115 वाले में आपने देखा अभी कितना आया, 8.69, तो इसमें 8.69 आया। तो इसमें कितना जाएगा दोनों का सम, 8.69 और ये कितना हो गया टोटल, 52.17, 52.17, ठीक है। केवीए अभी ऐसे भी आप केवीए निकाल सकते हैं, 52.17 है करंट इसमें जा रही है, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 52.17 इंटू 11500, ये आपका 600 केवीए, ये करंट ये वोल्टेज मल्टीप्लाई करेंगे, सेम केवीए आएगा जो आपने सीधे वोल्टेज वाले फॉर्मूले लगा के निकाला। तो अगर आप करंट रेटिंग जो कि टू वाइंडिंग में अलग अलग वाइंडिंग की थी, उनका वोल्टेज है, पावर है, करंट रेटिंग निकाल लें, वाइंडिंग की करंट वही रहने दे जो करंट उसमें पहले थी, तो टू ऑटो ट्रांसफार्मर में आपकी करंट कितनी आई इधर की लोड की, ये करंट लोड का वोल्टेज ये है, केवी आप सीधे निकाल सकते हैं, तब भी आपका यही आएगा जो इस फॉर्मूले से 600 केवी आ रहा है। वही सेम चीज इधर भी होगा, इसमें क्या है, करंट इसमें कितनी जा रही है 11 वाले में, 8.69, तो इधर से आपकी 8.69, और इधर से कितनी करंट है, इसमें करंट है 43.48, ठीक है, तो इसमें अगेन करंट कितनी जाएगी, 52.17। अब यहाँ का वोल्टेज कितना है, यहाँ का वोल्टेज है 2300, तो 52.17 को 2300 से आप मल्टीप्लाई करेंगे अगर, इंटू 2300, आपका वही आएगा 120 केवीए, जो कि यहाँ पे पहले से हमारा आ चुका है, करेक्ट है। करंट आप देख लेंगे कैसे बनाना है, करंट रेटिंग जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में थी, क्योंकि उसको वोल्टेज दिया हुआ है अलग अलग वाइंडिंग का, केवी रेटिंग दी हुई है, करंट रेटिंग निकाल लेंगे, उसके बाद वो सेम वाइंडिंग में, अब वही उन्हीं से तो बना है, उस वाइंडिंग में जिसमें जितनी करंट थी उसमें रहने देंगे, फिर देखेंगे कि आपके प्राइमरी से, अब आपका देखेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी करंट इधर से कितनी आ रही सप्लाई से, तो 43.48, लोड में कितनी जा रही है 52.17, इधर से सप्लाई से आ रही है 8.69, लोड पे जा रही है 52.7, करेक्ट है। अब आपको जब करंट पता चल गई ना, तो कोई भी चीज पूछे आपसे, कॉपर सेविंग पूछे, केवीए ट्रांसफर इंडक्टिवली पूछे, कंडक्टिवली पूछे, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं आप, हर चीज का फॉर्मूला भी है, जैसे कि हमने फॉर्मूला लगाया नहीं है, इस तरह से इंडक्टिवली ट्रांसफर का फॉर्मूला है आपका, कंडक्टिवली ट्रांसफर का फॉर्मूला है, कॉपर सेविंग का फॉर्मूला है, कॉपर सेविंग है 1/AA, तो कॉपर सेविंग अगर पहले वाले की निकालना चाहे ऑटो ट्रांसफार्मर में, अगर आप कॉपर सेविंग निकालेंगे, कॉपर सेविंग ऑफ फर्स्ट कनेक्शन, पहला जो कनेक्शन हमने किया था, कॉपर सेविंग कितनी आपकी आएगी 1/AA, पहले कनेक्शन के लिए AA कितना आया था, इस वाले कनेक्शन के लिए AA 1.2 आया था, तो ये हो गया 1/1.2 कितना आ जाएगा, 1/1.2 ये 0.83 थे, ये आपका आएगा 0.833, ठीक है, इतने परसेंटेज अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इतने परसेंटेज कॉपर सेविंग हो सकती है। और सेकेंड वाले के लिए कॉपर सेविंग फॉर सेकेंड कनेक्शन कितना आएगा, 1/AA अगेन यही फॉर्मूला था, उसका रेशियो कितना आया, उसका रेशियो आपका आया है 6, तो ये हो जाएगा 1/6, 1/6 आपका आ जाएगा 0.166, ये आपकी आ गई कॉपर सेविंग। तो कॉपर सेविंग आप देख सकते हैं कि, चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है 0.833 और 0.6,
करेक्ट है। तो यहां 83.3% आई, यहां पे 16.6%। तो हमने डिस्कस भी किया था कि अगर जो रेशियो है AA वो अगर आप बहुत डेविएट नहीं करेंगे, यूनिटी के पास रहेगा, जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा आपका कॉपर सेविंग अच्छा होगा। तो इसमें रेशियो था 1.2, ठीक है, तो कॉपर सेविंग 83.3% थी। यहां रेशियो है कितना, 6, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के बीच का रेशियो 6 है, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा है। तो यहां पे देखेंगे आप कॉपर सेविंग 16.6%, फॉर्मूले से ही पता है 1/A है। तो हम इसलिए हमने जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें, हमने डिस्कस किया था कि ऑटो ट्रांसफार्मर हमारा वही इकोनॉमिक है, वही अच्छा है जहां रेशियो जो है यूनिटी से बहुत ज्यादा डेविएट नहीं कर रहा हो। तो यूनिटी के आसपास का रेशियो है तो हमारे लिए वो ऑटो ट्रांसफार्मर ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीजें प्रोसीड करनी है। अगर इसमें इंडक्टिवली ट्रांसफर पूछ देता कंडक्टिवली, तो इंडक्टिवली ट्रांसफर का फॉर्मूला हमारा 1-1/AA इंटू टोटल केवीए, ठीक है, उस तरह से हो जाएगा। तो टोटल केवीए कितना हो गया इस ऑटो ट्रांसफार्मर का, पहले वाले का 600 था, तो 600 इंटू 1-1/AA, काम खत्म। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 400 / 100, ये हमारा है 2 winding 5 KVA का 2 winding ट्रांसफार्मर, टू बी यूज इन ऑटो ट्रांसफार्मर टू सप्लाई पावर टू 400 volt फ्रॉम 500 सोर्स। तो इसमें सीधे आपको डिफाइन कर दिया कि 500 रखना है प्राइमरी पे सोर्स पे और डिलीवर करना है 400। तो तुमने क्या किया, 100, ये हमारा 400 वाला वाइंडिंग ये हो गया यहां से यहां तक, और ऊपर का जो है मामला 100 वाली वाइंडिंग हो गई, ठीक है। तो यहां टोटल हमको 500 मिल गया। तो करंट चाहो तो आप सीधे लिख सकते हो, आप चाहो तो करंट लिख सकते हो। कैसे निकाल के, 100 वाले में 400 वाले में कितना होगा, तो ये हमारी 100 वाली वाइंडिंग है ऊपर वाली, तो 100 वाले में करंट कितना है, वो हो जाएगा 5 × 10^3/100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50, तो यहां से इसका मतलब 50 एम्पियर करंट आ रही है। नीचे वाले में तुम्हारा करंट कितना होगा, नीचे वाला 400 में कितना होगा, 5 × 10^3/400, ठीक है, 5000/400, तो ये कितना आ जाएगा, 40/50/4, तो कुछ 12.5 एम्पियर। तो यहां से इसका मतलब 12.5 एम्पियर जाएगा और दोनों मिलके 62.5 इधर जाएंगे। पूछा क्या है आपसे, कनेक्शन फ्रॉम फाइंड केवी आउटपुट एंड पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली एज वेल एज कंडक्टिवली, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, आपको इन चीजों के फॉर्मूले पता है, केवी आउटपुट का निकालना है आपको, तो पहले तो आप रेशियो निकालिए, ए कितना आएगा, हाई वोल्टेज में 500 है वीएच, आपने यही होता है वीएच अपॉन वीएल ऑटो ट्रांसफार्मर का, तो वीएच है 500, ये है 400, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 5/4, अब आपका केवीए ऑटो इज इक्वल टू कितना, 1/1-1/AA, ये फॉर्मूला है, इनटू केवीए टू वाइंडिंग, केवीए टू वाइंडिंग 5 KVA दिया हुआ है। यहां आप ए की वैल्यू रखिए, कितना हो जाएगा, एक वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/0.1.25, देखते हैं कितना आता है, 1/1.25.8 आ गया, 0.2, 1/0.25, ये टोटल आ जाएगा 5 × 5 = 25 KVA, यहां से 25 KVA आएगा, ठीक है। अगर आप यहां से ये करंट और इस वोल्टेज को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका 25 KVA आएगा, क्रॉस चेक भी हो जाएगा।
पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली, इंडक्टिवली का फॉर्मूला क्या था, केवीए इंडक्टिवली, ये था कितना, वन अप माइनस वन अपॉन ए इंटू जो भी इसका केवीए रेटिंग आया, केवीए रेटिंग कितना है 25 केवीए इंटू 25, कितना हो गया, ए ए आया है 1.25, ठीक है, ए आया है 1.25, तो 1.25 डिवाइड करेंगे 0.8, 0.2, तो 25 इंटू 0.2 ये आ जाएगा 5 केवीए तो आपका इंडक्टिवली ट्रांसफर हो रहा है, अब बाकी जो बचेगा 20 केवीए वो कंडक्टिवली ट्रांसफर होगा, ठीक है। इंडक्टिवली ट्रांसफर अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कौन सा था, अगर हम कन्वेंशनली जाएं तो हम कह रहे थे कि ये करंट और ये वोल्टेज, यहां तक का वोल्टेज और इसमें जो करंट जा रही है वो, चाहे ले लीजिए आप ये इस ब्रांच में करंट और इसकी वोल्टेज, ये दोनों जो है इंडक्टिवली ट्रांसफर देंगे, तो आप देखेंगे यहाँ करंट कितनी जा रही है 50 एम्पियर, इसकी वोल्टेज कितनी होगी, ये 100 वोल्ट वाला वाइंडिंग है, ये 400 100 वाला है, तो 100 इंटू 50 5 केवी आ रहा है इंडक्टिवली, यहाँ से भी क्रॉस चेक है। कंडक्टिवली किसको बोल रहे थे आप, ये वाली करंट और इस वाइंडिंग का वोल्टेज, ये जो वाइंडिंग है इसका वोल्टेज, तो इसकी करंट कितनी है 50, इसका कितना है 400, 50 इंटू 400 करेंगे 20 केवी, 20 केवी जो है आपका कंडक्टिवली हो जाएगा, ठीक है। तो करंट आपको मालूम है तो आप वैसे भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला नहीं मालूम है, ये फॉर्मूला नहीं याद है, अब फॉर्मूला याद है तो आपको करंट भी निकालने की जरूरत नहीं है, अगर ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है तो सीधे डालिए, आपको सिर्फ वोल्टेज रेशियो चाहिए, हाई वोल्टेज डिवाइड बाई लो वोल्टेज, ऑटो ट्रांसफार्मर जब बन के तैयार हो गया है तब का, उसके बाद सीधे फॉर्मूला डालिए इंडक्टिवली ट्रांसफर, ठीक है। बाकी टोटल केवीए था 25, तो 25 में से 5 गया, 20 जो है वो कंडक्टिवली ट्रांसफर, करेक्ट है। अदरवाइज आप करंट आपने पता कर ली पहले ही, जब टू वाइंडिंग में था अलग अलग वाइंडिंग में कितने करंट रेटिंग है वो करंट बना लिया आपने, जब सारी करंट बन गए तो ये करंट इंटू ये वोल्टेज सीधे टोटल केवीए ऑटो ट्रांसफार्मर का, ये करंट इंटू ये दिस वाइंडिंग का वोल्टेज पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली, ये करंट इंटू दिस वाइंडिंग का वोल्टेज पावर ट्रांसफर कंडक्टिवली, सीधे आप बता सकते हैं, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 25 केवीए, यहां थोड़ा हमने स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बना लिया, अभी तो हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर दोनों देख रहे थे। 825 केवीए 2000 वोल्ट 200 वोल्ट टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर टू बी यूज्ड एज एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर विद कांस्टेंट सोर्स वोल्टेज ऑफ 2000, इन्होंने बोल दिया कि सोर्स वोल्टेज हमारा 2000 वोल्ट रहेगा, ठीक है। एट फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर कैलकुलेट द आउटपुट पावर ट्रांसफर्ड एंड कंडक्टेड इफ एफिशिएंसी ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर इज इतना, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2000 आपने सोर्स की तरह यूज करना है, तो इसके साथ लगा दिया आपने 200 और लोड की तरफ ले लिया, तो लोड पे टोटल हो गया 2200 वोल्ट। तो अगेन आप करंट लिखना चाहें तो करंट सारे वाइंडिंग में लिख सकते हैं पहले से ही रेटिंग निकाल के, करेक्ट है, पहले से ही रेटिंग निकाल के करंट आप लिख सकते हैं। और अगर आपको सीधे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द पावर आउटपुट, तो ये सब हम सीधे बता सकते हैं, भाई हमारा वीएच कितना है, वीएच है आपका 2200 डिवाइड बाई वीएल, चलो सीधे लिख देता हूं, वीएल कितना है, वीएल 2000, अभी ये हाई वोल्टेज है ना 2200, ये लो वोल्टेज है, तो ये कितना आ गया 1.1, आपको 1.1 AA हो गया, तो आपका आपको केवी चाहिए, केवीए ऑफ ऑटो, ये क्या हो जाएगा 1/1 - 1/1.1 AA इंटू केवी ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर कितना है 25 केवी, 25 कितना आ जाएगा, करके देखेंगे इसको,
वन अपॉन 1.1.909 आएगा, माइनस 0.91 ठीक है। कुछ चेक करेंगे इसको कितना आ रहा है, केवी आउटपुट कितना आ रहा है, तो आपको 275 केवी आ जाएगा। करंट से भी चेक कर सकते हैं आप, किसमें कितनी करंट थी उसके हिसाब से भी आपको फाइनल कितना 275 केवी आ रहा है कि नहीं देखेंगे। तो 200 वाइंडिंग में कितने करंट होनी चाहिए थी, ये ऊपर वाली वाइंडिंग क्या है 200 वाली, तो 200 वाली में उतनी होनी चाहिए थी आपकी 25 × 10³ डिवाइड बाई 200, ये होनी चाहिए थी 250/200 ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1.25 कुछ, कितना हो रहा है ठीक है। और इसमें ये वाइंडिंग कौन सी है, ये 2000 वाली है, 2000 में होनी चाहिए थी आपकी कितनी 12 पॉइंट, इसमें होनी चाहिए थी, अरे इसमें आएगा 12.5 आएगा 25/2 ठीक है। तो यहां से इसका सम करेक्ट है, करंट से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना आ रहा 25 केवी, 275 केवी कुछ ज्यादा नहीं आ रहा, चेक करेंगे एक बार। करंट तो ठीक है 12.5 एम्पियर, 200 वाइंडिंग में कितना करंट जा रहा है, ओह ये शायद गलत निकला हमने क्या, अरे यार ये तो 125 है ठीक है करेक्ट है, ये 125 करेक्ट है, ये 125 एम्पीयर ऊपर, तो यहां से देख रहे हैं आपको 125 मल्टीप्लाई बाय दिस वन आपका 275 केवी ही आने वाला है, ये आपका ये आप डिवाइड करेंगे यहां से तो 125 ही आएगा, इसमें 12.5 आएगा। तो यहां से आपको सीधे भी चीजें इसमें निकाली जा सकती हैं ठीक है। तो दोनों तरह से अब इंडक्टिवली ट्रांसफर और कंडक्टिवली ट्रांसफर, तो फॉर्मूला भी यूज कर लीजिएंगे, चाहे 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन AA या फिर करंट वाला हिसाब कर लीजिए, फॉर्मूला वही लगेगा, 1 अपॉन AA कर लेंगे तो वो कंडक्टिवली ट्रांसफर, 1 माइनस 1 अपॉन AA तो वो इंडक्टिवली ट्रांसफर, काम खत्म। यहां पे एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर दिया हुआ है 0.8 पावर फैक्टर पे, तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी देने का मतलब कि आपको लॉस वहां से कैलकुलेट करना है। तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी अगर आपको पता है कितना था 0.95 इज इक्वल टू केवी आउटपुट टू वाइंडिंग का 25 25 × 10³ इंटू पावर फैक्टर है 0.8 डिवाइड बाय यही चीज 25 × 10³ 0.8 प्लस लॉसेस, तो यहां से आप कैलकुलेट कर लेंगे सारे लॉस ठीक है। कितना देखेंगे कितना आएगा लॉस, देखेंगे कितना आएगा, कैलकुलेट करते हैं लॉस, ये आएगा 1052.6, यहां से लॉस जो है आपका 1052.6 वॉट, ये आपका लॉस आ गया ठीक है, ये आपका लॉस आ गया। अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी है इसी पावर फैक्टर पे किसकी, ऑटो ट्रांसफार्मर की, तो क्या चेंज आएगा, लॉस तो आपका है फिक्स है, चेंज क्या आएगा केवीए आउटपुट आपका 275 हो गया, तो एफिशिएंसी अगर आपको ऑटो की चाहिए तो क्या 275 × 10³ × 0.8 divided by same 275 × 10³ 0.8 और प्लस लॉसेज जो आपने निकाला है 1052
0.6, करेक्ट। यहां से आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी, कितनी आएगी एफिशिएंसी देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सो 75.8 ये आपकी आ जाएगी 99.52%। ठीक है, तो एफिशिएंसी आपने देखा, क्या देखा कि एफिशिएंसी 95% थी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की, ऑटो ट्रांसफार्मर में एफिशिएंसी 99 point something। तो हम ये भी एडवांटेज डिस्कस कर रहे थे कि ऑटो ट्रांसफार्मर में एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज हो जाती है, करेक्ट है। तो सारी चीजें हमने देख ली, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। एक हमने दिया था कि भाई रेशियो जो है वोल्टेज का, ऐसा हमें ऑटो ट्रांसफार्मर डिजाइन करना है कि रेशियो जो है वो 1 से ज्यादा, बहुत ज्यादा डेविएट ना करे, ठीक है, मतलब दोनों हाई वोल्टेज लो वोल्टेज लगभग बराबर रहे, तो ऑटो ट्रांसफार्मर हमारा इकोनॉमिकल है, वहां कॉपर सेविंग अच्छी होगी, ठीक ठाक होगी। वो भी हमने देख लिया मैथमेटिकली कैसे आया पहले क्वेश्चन में, कि जहां 1 point something था वहां बड़ा अच्छा था 83%, और जहां 6 थी रेशियो वहां कुछ 16% आपका कॉपर सेविंग रहा, ठीक है। तो ये इस तरह के न्यूमेरिकल आपके ऑटो ट्रांसफार्मर के इसमें भी आ सकते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, और आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वहाँ भी सीधे केवी आउटपुट वाला तो बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, वो हर एग्जाम में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके आ जाता है। टू वाइंडिंग का आपको दिया रहेगा रेशियो वोल्टेज रेशियो केवी रेटिंग, और सीधे सीधे ऑटो ट्रांसफार्मर का पूछ लेगा, कनेक्शन दे देगा ऐसे ऐसे करें, या फिर आपको खुद से कनेक्शन पॉसिबल कनेक्शन करने होंगे। तो स्टेप अप स्टेप डाउन हर तरह के कनेक्शन आपको, एडिटिव पोलैरिटी सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी, कई बार आपको एडिटिव पोलैरिटी है तो दोनों वाइंडिंग का ऐड होके इधर मिलता है, पोलैरिटी सब्ट्रैक्टिव हो तो दोनों वाइंडिंग का सब्ट्रैक्ट होके मिलेगा आपको। तो किस तरह के कनेक्शन आपको करना है ऐसा मेंशन होगा, तो उस हिसाब से हमको चीजें करनी है। सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी होगी तो यहाँ से अगर आपने 2000 लगाया तो ये 200 वाली वाइंडिंग का वोल्टेज घट के हो सकता है इधर आपको कुछ 1800 मिले, एडिटिव लगाया तो 2200 हो गया, ठीक था। तो करेस्पॉन्डिंग जैसा भी ये पोलैरिटी हो उसके हिसाब से हम देखेंगे, बाकी हमारे फॉर्मूले जो है वो सारे सेम है, तरीका वही है। आपको क्या सिर्फ ध्यान रखना है ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेशियो VH/VL, वो हमारा एक ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हो जाएगा, उसी की हेल्प से सारे फॉर्मूले हैं सीधे सीधे आंसर दे देंगे, ठीक है। तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर आपका कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट हम जो है इसके ट्रांसफार्मर के कुछ स्पेसिफिक अलग टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।